पाकिस्तान कहां साजिश नहीं रचता, वो हर जगह अपने नाकाम मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान करतारपुर जाने वाले जत्थे को किसी न किसी रूप में रोकना चाहता है। इसी कड़ी में पाकिस्तान करतारपुर जाने वाले श्रद्धालुओं के पासपोर्ट को लेकर जो षड्यंत्र रच रहा है, उस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कड़ा प्रहार किया है। रवीश कुमार ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हवाला देते हुए दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं काफी कंफ्लिक्टिंग हैं, कभी वो बता रहे हैं कि चाहिए, कभी बता रहे हैं नहीं चाहिए। फॉरेन ऑफिस और दूसरे एजेंसीज के बीच में भी हमें लग रहा है कि काफी डिफरेंस है। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, एक एमओयू है, उस एमओयू को अभी बदला नहीं गया है और एमओयू यूनिलैटरली बदला भी नहीं जा सकता है। तो फिलहाल स्थिति यह है कि एमओयू में लिखा गया है कि पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। आपने देखा भी होगा, ये जो हमने ये प्रेस रिलीज इशू किया था उसमें लिखा है पिलग्रिम्स नीड टू कैरी ओनली अ वैलिड पासपोर्ट, पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन नीड टू कैरी ओसीआई कार्ड। सो वी अभी फिलहाल जो है हम इसी बेसिस पे जा रहे हैं कि जो भी पिलग्रिम्स इस जर्नी को करना चाहते हैं वो अपना पासपोर्ट साथ लेके जाएं। एक तो ये, दूसरा कि पाकिस्तान को 4 दिन पहले जो लिस्ट है उसकी कन्फर्मेशन देनी चाहिए थी, अभी तक वो उन्होंने दी नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी लिस्ट हमने उनके साथ शेयर की है उसमें जितने नाम हैं वो सब पाकिस्तान ने कन्फर्म कर दिए हैं और उन सारे लोगों को हमने बता दिया है कि आप अपनी जर्नी की तैयारी कीजिए। रवीश कुमार ने इतना ही नहीं करतारपुर से जुड़े उस आस्था, उस उम्मीद का भी जिक्र किया जिसका सबको सालों से इंतजार था। इतने दशकों से जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ के पिलग्रिम्स थे, वो इनका एक ड्रीम था कि वो पैदल चल के बिना वीजा के उस गुरुद्वारे पे जा सके और वो उनका जो ड्रीम है वो रियलाइज होने वाला है। जहाँ तक किसी इंडिविजुअल के जाने का सवाल है, उसके बारे में सबको पता है कि प्रोसेस क्या है और वो प्रोसेस ये है कि एक वेबसाइट है जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, उन्होंने लॉन्च की है। उस वेबसाइट पे उनको रजिस्टर करना होता है और कुछ चीज़ें उनको सबमिट करनी पड़ती है और उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बेसिस पे जा सकते हैं। पाकिस्तान पासपोर्ट को लेकर कभी हाँ कभी ना कर रहा है, सरकार कुछ कह रही है, सेना कुछ कह रही है। ऐसे में भारत के लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान जाने के लिए भारत की तरफ से पासपोर्ट अनिवार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।